नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस आध्यात्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम मित्रों, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी भाई साधना सीखना चाहता है वो मुझे कॉल नहीं फोर ऐप पर बात करके साधना सीख सकता है नवरात्रि में, और कभी भी कॉल करके सीख सकता है। मेरी ID ज्ञानुराम, आप कॉल नहीं फोर ऐप पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके वो वीडियो नोट करके और वहां से मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है मित्रों, अब मैं मित्रों आपको बताता हूँ कि आप किसी भी रोगी के घर जाते हो या फिर किसी भी रोगी के, मतलब इतने तांत्रिक बड़े नहीं हो आप, मंत्र तो जानते हो लेकिन कौन सा रोग है इस चीज़ के बारे में पता करना चाहते हो और आपको पता नहीं भी कैसे पता करें, तो कम से कम छोटी से छोटी क्रिया मानी गई है ओगड़ गणित चित्र, ओगड़ गणित यंत्र। ठीक है, ये अंतर मित्रों मेरा ही नहीं, कई साधकों का परीक्षित यंत्र है। एक सफेद कागज ले, ठीक, उस पर कोई लिखारी ना हो, उस पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है यंत्र वो बनाइए और बिल्कुल नंबर, तो आप इस ओगड़ गणना से बहुत ही अच्छी तरह तरीके से इलाज कर सकते हो। जो मतलब आप छोटे मोटे छोटे साधक हो और इतना नहीं ज्ञान है तो कोई जीत जाता तो मैं मंत्र तो आता है लेकिन क्या पता करोगे कैसे, वैसे तो इस प्रकार से वहाँ से आप निकल सकते हो। और ये परीक्षित चीज़ है मित्रों, ये मेरी खुद की हुई है और ये बहुत से हमारे राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा चलती है। राजस्थान का कोई आदमी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करना, रोगी को सामने बिठा लें और अब ओगड़ गणित का चित्र सामने बिठाएं मित्रों, और ये एक चित्र बना लें, एक पेन और डायरी लें, किताब लें, उस पर कोरें इस चित्र को और नंबर बिल्कुल सही लिख लें, 12 अक्षर लिखने, एकदम जैसे इसमें दिख रहे हैं उस प्रकार से लिखें। और रोगी को कहें मित्रों ये चित्र पूरा बन के नंबर वगैरह लिख के कंप्लीट हो जाए तो आप जिस भी इष्ट को मानते हो, ये नहीं कहता कि आप कोई भी ले लो, आप जिस इष्ट को मानते हो, अपना दादा परदादा राम हनुमान जिस जी को जिसको भी आप मानते हो, तो इसको क्या करना है, जैसे बना के और अपने ललाट से लगा के ऐसे लगाते और इष्ट का मन ही मन सिमरण करना, कोई मंत्र हो जो सबसे प्रिय मंत्र हो हमारा, उस मंत्र का सिमरण करना जिस जो हमारे सिद्ध किया, हमारा मतलब विश्वास है कि ये मंत्र मेरा कभी नहीं खालेगा, उस मंत्र का मन ही मन 7 बार जाप करो और उसको सामने बिठा के उसको को इसमें से किसी एक अक्षर पर हाथ रखें। मैं बताता हूँ इसकी ये है सही विधि, आजकल YouTube पे तो पता नहीं क्या क्या लोगों ने डाल के रखा है। ठीक है, ये है इसकी विधि, ये मेरे गुरुजी किया करते थे। ठीक है, मेरे गुरुजी तो ऐसे ही बूंद बूंद से देखते थे लेकिन ये मेरे गुरुजी मेरे को करके दिखाया था और मैं खुद ये करता हूँ। इसके कोई विशेष मंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि रोगी 1 या 5 या 7 में से किसी भी नंबर पर उंगली रखे तो समझ लेना चाहिए उस पर वशीकरण है। यदि रोगी 4 या 8 या 10 पर, 10 नंबर पर किसी पर भी उंगली रखे तो समझ लेना चाहिए उस पर जादू टोना तांत्रिक क्रिया किसी भी प्रकार की गई, मूठ वगैरह चलाई गई है। यदि रोगी 6, 11, 12 में से किसी भी नंबर पर उंगली रख ले तो समझ लेना चाहिए उस पर भूत प्रेत दाकनी साकनी का असर है। ठीक है मित्रों, यदि रोगी 2, 3, 9 में से किसी भी नंबर पर उंगली रख ले तो समझ लेना चाहिए उस पर पितर दोष या उसके कुल देवता वगैरह सभी के दोष हैं, ये समझ लेना चाहिए। और फिर उस प्रकार से आप उतारा वगैरह करके उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत से सिद्ध उतारों के मंत्र हैं, भूत प्रेत जादू टोना हटाने के हर प्रकार के आपको मंत्र मिल जाएंगे,
तो आप हमारे ब्लॉग है उसको विजिट कीजिए, और रक्षा मंत्र चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान वाली साधना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके सीखें और कुछ संसार में आगे बढ़ें और सर्वप्रथम गुरु का मार्ग में करें, अन्यथा कोई साधना ना करें। अगर मेरे से साधना सीखना चाहते हैं तो मैं पहले मुझे कॉल में पर ऐप पर बात करें, मैं बात करूंगा आपसे, फिर मैं मेरे डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, फिर आप मुझे कॉल कभी भी कर सकते हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्री ले सकते हो, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, सिर्फ जरिया मेरे तक पहुँचने का कॉल में पर ऐप ही है, समझ लेना। जय श्री राम, जय हनुमान।